यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार ढींगरा पीटती है, लेकिन पिछले 3 महीने व उससे भी अधिक समय से यूपी में कोविड वैक्सीन का स्टॉक समाप्त चल रहा है। लोग वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों को सरकारी अस्पतालों से वैक्सीन न होने के कारण लौटना पड़ रहा है। एक तरफ जहां एक्सपर्ट बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज लेने पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं पूरे यूपी में फरवरी से वैक्सीन न होने से लोग डोज नहीं लगवा पा रहे हैं। अगर फरवरी 2023 से 9 मई तक के आंकड़ों की बात करें तो इस बीच कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या 17,419 रही है, तो वहीं कोविड से 57 लोगों की मौत भी हुई है। यूपी में कोविड की शुरुआत से अब तक कुल 39,20,07,189 लोगों ने वैक्सीन की डोजें लगवाई हैं। इसमें से 17,69,99,329 लोगों ने सिर्फ पहली डोज ली, तो वहीं 16,89,69,507 लोगों ने दोनों डोज लगवाई हैं। लेकिन प्रिकॉशन डोज लगवाने वालों की संख्या बेहद कम है। 4,60,38,353 लोगों ने ही सिर्फ प्रिकॉशन डोज लिया है। साल 2023 के मार्च के बाद अचानक कोविड के मरीज बढ़ने लगे, लेकिन वैक्सीनेशन ना के बराबर वैक्सीनेशन के पीछे का कारण कोविड वैक्सीन के स्टॉक की कमी नहीं बल्कि समाप्ति है। सरकारी आंकड़ों के दावों के बावजूद ना तो वैक्सीन का स्टॉक मिला और ना ही अभियान चला। अभी उत्तर प्रदेश में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कार्बिवैक्स सभी का स्टॉक समाप्त है। इस पर दैनिक भास्कर व अन्य मीडिया की रिपोर्ट भी है। लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिमांशु तो सिविल अस्पताल के CMS डॉक्टर RP सिंह व लोक बंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने लगभग एक ही बात बोली। सभी ने यही बताया कि 3 महीने से हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन अभियान ठप है। कुछ लोग वैक्सीन से जुड़ी जानकारी तो कुछ लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं पर उन्हें वापस भेजना पड़ता है। कमोबेश यही स्थिति पूरे प्रदेश के अस्पतालों की है। प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU में भी कोविड अभियान पूरी तरह से ठप पड़ा है। CMS डॉक्टर SN संखवार ने बताया, अभी वैक्सीन है ही नहीं, यही कारण है कि लोगों को प्रिकॉशन डोज नहीं लग पा रहा। वैक्सीन आते ही अभियान फिर से शुरू होगा। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में छापा है कि कोविड वैक्सीन पर स्टेट नोडल अफसर डॉक्टर अजय गुप्ता कहते हैं कि फरवरी 2023 के बाद से प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो रही है। हमने आवश्यकता के अनुसार डिमांड भी रेंज कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि डॉक्टर ने माना है कि कोविड की वैक्सीन की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक सप्लाई नहीं मिली और केंद्र सरकार की तरफ से सप्लाई मिलते ही वापस वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। डॉक्टर और नोडल ऑफिसर की यह बात यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था को जगजाहिर करता है। हालांकि ये बात अलग है कि कोविड अपने विकराल रूप में नहीं है। क्या हमें कोविड जैसे खतरनाक वायरस को अपने विकराल रूप धारण करने का इंतजार करना चाहिए? डॉक्टर ने दबी जुबान में बताया कि हम कर भी क्या सकते हैं, जब केंद्र से वैक्सीन उपलब्ध होगी तभी तो प्रिकॉशन डोज लगेगा। यूपी जैसे प्रदेश ही नहीं, अगर अब पूरे देश को वैक्सीन की जरूरत नहीं है तो कोविड काल में थाली बजवाकर कोरोना भगाने जैसे सचेतक की बातें हुई, तो अब भी ऐसा ही कुछ कर साफ कर देना चाहिए कि देश को अब वैक्सीन की जरूरत नहीं है, जिससे कि आम लोग चक्कर लगाकर परेशान ना हो। हालांकि लखनऊ और नोएडा के कुछ चुनिंदा निजी अस्पताल हैं जहां पर पेमेंट देकर वैक्सीन लगवाई जा सकती है।